अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनवेयर टेक्नोलॉजी। आज की मेरे वीडियो का टॉपिक है कि फाइवर अफिलिएट लिंक से आप किस तरह से पैसे कमा सकते हैं। ये वीडियो स्पेशली मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जो ये कहते हैं कि भाई हमें फाइवर पे ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, हमें 5 to 6 months हो गए हैं हम फाइवर पे ऑर्डर नहीं आ रहे, हम क्या करें। या फिर ये वीडियो इन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि भाई हम फाइवर से पैसे तो कमाना चाहते हैं लेकिन हमारे पास कोई स्किल ही नहीं है। ठीक है, तो मैंने वैसे इस टॉपिक पे वीडियो बनाई हुई है कि अगर आपको कोई स्किल नहीं है तो आप पैसे किस तरह से कमा सकते हैं एज अ सेलर। लेकिन इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास कोई भी स्किल नहीं है तो ना तो आपको कोई चीज सेल करने की जरूरत है, ना कोई चीज आपको बाय करने की जरूरत है, तो आप सिंपली लोगों को फाइवर प्रमोट करके इस चीज का कमीशन कमा के पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो जो है वो स्पेशली उन लोगों के लिए मैंने बनाई है जो ये फाइवर से पैसे तो कमाना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई स्किल नहीं है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मैं चैनल पर नहीं है तो मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। ये जो इंटरफेस आपके सामने ओपन है, फाइवर एफिलिएट की इंटरफेस आपके सामने ओपन है, इसका लिंक जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, तो जानते हैं फाइवर एफिलिएट क्या होता है और इसमें आपको फाइवर कितना कमीशन जो है ना वो पे करता है। ये वैसे बहुत से लोग इस तरह के हैं, मेरे पर्सनली जाने वाले हैं, वो ये कहते हैं कि भैया फाइवर पे हम जो है ना वो सारी रात बैठकर बाय रिक्वेस्ट सेंड नहीं कर सकते, या फिर हमसे हमें कोई क्लाइंट नहीं मिलता, या फिर कोई क्लाइंट जो है ना वो हमसे ग्रैब नहीं होता। तो ये अगर उनसे कोई क्लाइंट ग्रैब नहीं होता और अगर वो बगैर किसी स्किल के काम करना चाहते हैं तो फाइवर एफिलिएट मार्केटिंग जो है ना वो स्टार्ट करते हैं, जहां पे आपको बगैर कुछ किए, बगैर कुछ सेल किए, बगैर कुछ चीज बाय किए आप पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है फाइवर एफिलिएट लिंक थोड़ा हम लोग एक्सप्लोर कर लेते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने करना यू चूज योर कमीशन प्लान। मैंने आपको पहले बताया कि फाइवर को प्रमोट करने फाइवर चीज का कमीशन देता है, तो ज्वाइन एज अ एफिलिएट आपने क्या करना है, ज्वाइन करना है एफिलिएट। मैं आपको लाइव जो है ना ज्वाइन करके दिखाऊंगी। ठीक है, प्रमोट करें फाइवर को। ठीक है, प्रमोट करें फाइवर को, स्टार्ट अर्निंग। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने प्रमोट करना है और चीज के फाइवर आपको क्या देता है, पैसे देता है। व्हाट कैन यू प्रमोट, फाइवर बिजनेस, फाइवर लोगो मेकर, फाइवर एफिलिएट और फाइवर वर्कशॉप, ये आप चीजें प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, फाइवर आपको क्या बेनिफिट देता है, भाई मैक्सिमम अर्निंग देता है, प्रोफेशनल सपोर्ट देता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है फाइवर आपसे कहते हैं कि भाई आप ये अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप फाइवर एफिलिएट जो है ना ज्वाइन कर लें और इस चीज से जो ना अर्निंग जो है वो स्टार्ट करें। तो हम लोग देखते हैं कि फाइवर आपको पैसे कितना देता है कमीशन पे जब आप फाइवर को प्रमोट करते हैं। तो कमीशन प्लान में मैंने क्लिक किया, वहां से हम देखते हैं कि फाइवर हमें कितनी पेमेंट जो है ना वो पे करता है। ठीक है, तो सिंपली फाइवर आपको जो है वो फाइवर सीपीए पे फाइवर क्या करता है, आपको मिनिमम $15 से $150 तक फाइवर आपको पे करता है फाइवर को प्रमोट करने पे। ठीक है, मोर प्रोडक्ट यूनिक प्रमोट फाइवर बिजनेस, फाइवर एफिलिएट, फाइवर लर्न और फाइवर वर्कशॉप। ठीक है, और फाइवर सीपीए कमीशन ये है कि अगर फाइवर कोई प्रो है, ठीक है, तो अगर आप उस चीज को प्रमोट करते हैं तो फाइवर आपको $150 पे करता है, और अगर आप फाइवर पे जो सर्विसेज है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट डिजाइन उसको प्रमोट करते हैं तो फाइवर आपको $50 जो है ना वो पे करता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर फाइवर की जो सर्विसेज है वेबसाइट बिल्डर एंड सीएमएस तो फाइवर आपको $40 जो है ना वो पे करता है। ठीक है, और $30 आपको पे करता है ई कॉमर्स प्रोडक्ट वीडियोस पे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है 25 इलस्ट्रेशन गेमिंग पे, आर्टिकल ब्लॉग पोस्ट वगैरह पे और रिज्यूमे राइटिंग पे, और अगर बाकी जो है $15 ऑल अदर कैटेगरीज। ठीक है, तो इतना फाइवर जो है ना आपको कमीशन पे करता है कि अगर आप फाइवर को प्रमोट करते हैं। तो मैं आपको लाइव जो है ना फाइवर का एफिलिएट लिंक ज्वाइन करना सिखाऊंगी, जिस तरह आप अमेजोन के लिंक जो है ज्वाइन करते हैं, फिर उसके बाद अमेजोन का लिंक को क्या कहते हैं प्रमोट करते हैं, और जैसे कोई उसको बाय करते हैं अमेजोन का प्रोडक्ट तो इन रिटर्न अमेजोन आपको कमीशन देता है। तो इसी तरह फाइवर ने भी अब ये काम जो है वो स्टार्ट कर दिया कि आप प्रमोट करें, इन रिटर्न आपको कमीशन मिलेगा। तो आपने कोई फेस इंटरफेस नजर आ गई, यहाँ पे साइन अप नजर आ रहा है, तो यहाँ पे आपने अकाउंट का नाम लिख देना है। आपने अकाउंट जो सिलेक्ट करना है वो आपने प्राइवेट अकाउंट सिलेक्ट करना है अगर आप एज ए इंडिविजुअल काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी कंपनी के साथ काम करें या किसी टीम के साथ काम करें तो आप जो है वो कंपनी सेलेक्ट करें, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप अगर इंडिविजुअली काम करें तो प्राइवेट पे क्लिक करें। ठीक है, फर्स्ट नेम जो है वो आप ऐड कर लें, जो आपका फर्स्ट नेम है, फिर उसके बाद जो है वो आप जो है वो लास्ट नेम जो है ना वो ऐड कर लें। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपने पासवर्ड पुट कर लेना है और कंफर्म पासवर्ड पुट कर लेना है। ठीक है, कंट्री आपने जो है वो पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, पाकिस्तान, ये देखे लोग कहते हैं कि जी फाइवर पाकिस्तान को वो रिकमेंड नहीं करता, देखिए इसमें जो नाम जो है वो पाकिस्तान का भी आ रहा है, तो आपने कंट्री जो कौन सेलेक्ट करनी है, पाकिस्तान कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। ये देखे पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद इंग्लिश और फोन नंबर जो है ना वो यहाँ पुट करके आप नेक्स्ट कर सकते हैं, और नेक्स्ट करके जो है ना वो आप अपना अकाउंट जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं।
ठीक है। ईमेल जो है वो हम लोग इस टाइम जो है ना, ईमेल जो मैंने ऑलरेडी इस पे मेरा ना ऑलरेडी मेरा इसके ऊपर अकाउंट है, ठीक है। तो उसकी वजह से ना ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है कि उसको लॉगिन नहीं कर रहा। मेरा ऑलरेडी इसके ऊपर जो है ना अफिलियट पे अकाउंट बन चुका है, ठीक है। फिर तो उसके बाद जो है आपने क्या करना है, आपने जो है इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करके आपने क्या करना है, अपना जो आपका जो अकाउंट है ना फाइवर का वो बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मसला आ रहा है, वो इसलिए मसला आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है ना इस पे जो है ना वो अकाउंट जो है ना मेरा लॉगिन किया हुआ है मैंने ना, तो इसकी वजह से मुझे ना थोड़ा इसलिए चेंज करना पड़ रहा है पासवर्ड और ईमेल, उसकी वजह से ये ना ये ओपन नहीं हो रहा। ठीक है, अब जो है ना मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो वो ये आपसे कह रहा है कि आप कौन कौन सी सर्विस जो है ना वो फाइवर की जो ना प्रमोट करेंगे, व्हाट डू यू प्लान टू प्रमोट फाइवर सर्विसेज। आप फाइवर पे जो आप सर्विस कौन कौन सी प्रमोट करेंगे, लाइक जिस तरह यूट्यूब कर लिया, ठीक है, एसईओ कर लिया, ठीक है, जो आप प्रमोट करना चाहते हैं, जो आपके इंटरेस्ट है, टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है, फिर आप सेलेक्ट कर लेंगे। टेल अस अबाउट योर ऑडियंस इंटरेस्ट, आप कौन से ऑडियंस के इंटरेस्ट को जो है ना वो करना चाहते हैं प्रमोट। तो आप जो है ना डिजिटल मार्केटिंग का मैं चाहती हूँ कि मैं उस चीज को जो है ना वो मेरी ऑडियंस है उसको मैं जो ना प्रमोट करूँ, ठीक है। आई एग्री टू द टर्म एंड कंडीशन, एग्री टू द टर्म एंड कंडीशन, रजिस्टर नाउ पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। तो आपके सामने मेरा अकाउंट क्या हो गया, ये रजिस्टर हो गया। तो ये देखें, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर अ फाइवर अफिलियट। तो आपके सामने मैंने आपको अकाउंट जो है ना वो क्रिएट करके दिखाया कि आपने अकाउंट किस तरह से ना अपना क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंटरफेस आएगी, यहाँ पे आपने क्या करना है, स्टार्ट डूइंग पे आपने क्लिक कर देना और यहाँ पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड पूछेंगे, वो आपने जो है ना वो पुट कर देना और साइन इन कर देना, ठीक है। साइन इन कर देना तो आपके सामने आपका जो फाइवर का जो अफिलिएट लिंक जो है जो आपने बनाना है वो आपके सामने ये जनरेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने मार्केटिंग टूल्स, आपको ये डैशबोर्ड आपको नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन, आपकी पेमेंट हिस्ट्री, सारी ईच एंड एवरीथिंग ना उन्होंने शेयर की हुई है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको सिखाना था कि आपने फाइवर में अफिलिएट लिंक किस तरह से बनाना है और किस तरह से आपने बगैर किसी स्किल के जो है ना वो पैसे कमाने हैं, कमीशन लेना है फाइवर से, ठीक है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।